तो गैस आज हम कुछ आर्टिस्टिक वे में फ्री हैंड स्केच करेंगे, जो कि एक ओल्ड मैन का स्केच होगा और काफ़ी कम टाइम में ड्रॉ करूँगा गैस। अराउंड 20 मिनट सिर्फ लगे होंगे मुझे ड्रॉ करने में, 20 to 25 मिनट्स। सो मटेरियल की बात करूँ गैस, तो ये मैं मटेरियल यूज़ में लिया हूँ आर्टलाइन की 10B ग्रेड की। एक पेंसिल है और एक एक्सटेंडर है, जो कि पेंसिल काफ़ी छोटी थी इसलिए मैं यूज़ में लिया हूँ। और अपना एक प्रिंटिंग पेपर है, कुछ प्रिंटिंग पेपर जिसमें मैं यूज़ ड्रॉ करूँगा, और काफ़ी लो GSM के गैस, अराउंड 70 to 80 GSM के होंगे। सो काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग है गैस और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो हैव एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पेंट विद रोशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ किया एंड अगेन एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल लाइन लिया, जो कि आइज़ को मैं इसी पर एडजस्ट करूँगा, इसी लाइंस के बीच में। एक तरह से ये थोड़ा बहुत मैं लूमिस मेथड का यूज़ किया हूँ यहाँ पर। और जो भी हमारे पास पोर्ट्रेट है गैस, जो भी रेफरेंस पिक है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया। एक जो अपना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो एक कट हुआ था बीच से सर्कल से, वहाँ से एक मेजरमेंट नीचे की ओर लिया एंड सेम उतने ही डिस्टेंस में एक और लिया। इस तरीके से मैं यहाँ पर 2-3 भागों में बांट लिया लाइन्स को। आप चाहो तो डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी मेजरमेंट के, बस तो अपने आप में एक अनुमान होता है जो कि हम रेफरेंस को देख कर लेते हैं। उस तरह से भी आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है गाइस, जब भी आप एक मेजरमेंट को लो तो काफ़ी लाइट आप पेंसिल्स के स्ट्रोक रखो, सो दैट कि किसी तरह का अगर मिस्टेक होता है तो वो इजीली हम इरेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं काफ़ी लाइट पेंसिल्स के स्ट्रोक्स रखा एंड जो भी पोर्शंस हैं लाइक आईज, नोज, लिप्स, अब उन्हें मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि कौन से पोर्शन किस जगह पे होंगे। एंड अगेन उसके बाद फिर मैं इसी तरह से शेडिंग करूँगा जब प्रोपोर्शंस कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आएंगी। आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करने होंगे, और फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से आप जितना पॉसिबल हो सके, जब तक आपको लगे कि शेडिंग करनी है आप करते रहो। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। आप डे बाय डे इस तरह के स्केचेस डेली प्रैक्टिस करो। आप ज़रूर देखना गैस कि मैं किस तरह से एक ही पेंसिल, जो कि अपने पास 10B ग्रेड की पेंसिल है, और इसी के हेल्प से मैं सारी जो शेडिंग है कंप्लीट करूँगा। जहाँ पे लाइट और टोन चाहिए रहेगा वहाँ लाइट लाइट शेडिंग भी इसी से करूँगा, जहाँ डार्क चाहिए होंगे वहाँ पर डार्क भी इसी से करूँगा। तो सारा कुछ आपका खेल है गैस प्रेशर पर, आप किस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हो, पेंसिल्स के स्ट्रोक्स कैसे आप शेडिंग करते हो, कितने प्रेशर के साथ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है शेडिंग के दौरान। तो सो आप देख सकते हो जो पगड़ी है इनका, मैं काफ़ी लाइट मतलब काफ़ी स्लोली से काफ़ी लेस प्रेशर के साथ मैं यहाँ पर अप्लाई किया, और फर्स्ट लेयर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सारे जगहों पर। आपको लाइट एंड शेडो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है समझना। आप किसी भी पोर्ट्रेट या फिर किसी भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो आपको लाइट एंड शेडो का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपका जो इमेज स्केच है वो निखर कर आता है। सो यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर लाइट पोर्शन है वहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ या फिर काफ़ी लेस प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ, एंड जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेडो है वहाँ पर मैं डार्क एक लेयर दो लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, कभी धीरे धीरे प्रेशर्स को अब बढ़ाते जा रहा हूँ। और बहुत ही ख़ास बात है गैस, अगर आप शेडिंग करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। जो भी पेपर्स होते हैं जो जो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, यूं ही पड़ा हुआ रहता है लाइक न्यूज़पेपर वगैरह या फिर जेरोक्स सीट वगैरह, तो उस पर आप अपने शेडिंग्स करते रहो, ताकि आपका उस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गैस, और इस तरह के जो स्केच ड्रॉ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप इस तरह के भी स्केचेस, क्विक स्केचेस ज़रूर ड्रॉ करो ये, और 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट के स्केचेस काफ़ी ज़्यादा आप ड्रॉ करो।
मैं यहाँ पर इरेजर यूज़ नहीं लिया गैस, बट यहाँ पर हाईलाइट्स के लिए मैं सिर्फ पेंसिल इरेजर यूज़ में लिया हूँ, बिकॉज़ कई कई जगह पर मुझे हाईलाइट्स देने की ज़रूरत थी, लाइक बियर्ड वगैरह में हाईलाइट्स नहीं देता तो वाइट बियर्ड पता नहीं चलता, सो इसलिए मैं यहाँ पर इरेजर का यूज़ किया, अदरवाइज नहीं करता मैं। तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है गैस, एंड आपको शेडिंग को समझना है, प्रोपोर्शंस को समझना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा, यही मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। एंड आई होप गैस आपको यह स्केच काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आता है गैस तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए। और आपके माइंड में अगर किसी तरह का क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछो गैस, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का, या फिर उस तरीके से आपके लिए मैं वीडियो लाऊँगा और भी ज़्यादा। इस तरह से अगर आप भी और भी चाहते हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गैस।